कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्रों में इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई और किसने इस पर्व को शुरू किया, इस विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं। इस वीडियो में मैं आपको छठ पर्व से जुड़ी हुई 3 कहानियां बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर छठी मैया जो है सो है कौन। सबसे पहला जो कहानी है वो जुड़ा हुआ है रामायण से। भगवान राम सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता सूर्य देव थे। इसलिए भगवान राम और सीता जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस लौटे तो अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए इन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल मिष्ठान एवं अन्य वस्तुओं से अर्घ प्रदान किया। सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। इसके बाद से आम जनता भी सूर्य षष्ठी का पर्व मनाने लगी। दूसरा कहानी जो है वह महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत का एक प्रमुख पात्र है कर्ण, जिसे दुर्योधन ने अपना मित्र बनाकर अंग देश यानी आज का भागलपुर का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण के विषय में कहा जाता है यह पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव की संतान थे। कर्ण अपना आराध्य देव सूर्यदेव को मानता था। यह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्यदेव की आराधना करता था और उस समय जरूरतमंदों को दान भी देता था। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्यदेव की विशेष पूजा किया करता था। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्यदेव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र तक हो गया। तीसरा कहानी जो है वो जुड़ा हुआ है कुंती और द्रौपदी से। कहानी ये है कि जब साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की थी। इससे कुंती पुत्रवती हुई, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। कुंती की जो बहू थी और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने उस समय सूर्य देव की पूजा की थी जब पांडव अपना सारा राजपाट गंवाकर वन में भटक रहे थे। उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वास्थ्य और राजपाट पुनः पाने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा को शुरू करने में इन सास बहू का भी बड़ा योगदान है। तो ये जो 3 कहानियां थी काफी प्रचलित कहानियां हैं कि आखिर क्यों छठ का पर्व मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन है छठी मैया और किसने की इनकी सबसे पहली पूजा। पुराण की कथा के अनुसार प्रथम मनु प्रियव्रत कोई संतान नहीं थी। प्रियव्रत या मनु ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। इससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक विमान पृथ्वी की ओर आता दिखा। नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी है। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को संतान प्रदान करती हूँ। देवी ने मृत बालक के शरीर का स्पर्श किया और बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की शुरुआत की। तो इस तरह से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।